Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the let. The use of let in different ways. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बेसिक में आपको लेट का इस्तेमाल बताया था कि लेट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, लेट का इस्तेमाल और लेट्स का इस्तेमाल. बट अब मैं आपको सारे बेसिक में सभी तरह के सेंटेंसेस, जितने भी टॉपिक थे सभी सेंटेंसेस में हम लेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और टेंसेज में जो भी सेंटेंसेज आते हैं, जितने भी 12 टेंस आते हैं उसमें भी हम लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, लेट मींस क्या? लेट का मींस होता है अनुमति देना या लेना. तो लेट हम जो बेसिक में पढ़ाए थे आपको, लेट मी गो, लेट हिम कम, अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें टेंसेस के सारे सेंटेंस शामिल होंगे. जितने भी 12 टेंस हैं सबके सेंटेंसेस में हम शामिल करके लेट का इस्तेमाल बताएंगे कि लेट का इस्तेमाल हम टेंस के सेंटेंसेस में या बेसिक के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें किस तरीके से कर सकते हैं. लेट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही जैसा नहीं होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत तरह के सेंटेंसेस में, बहुत सारे सेंटेंसेस में हो सकता है, और हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलचाल में काफ़ी होता है. लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम वो इंग्लिश वीडियो. Good morning. Yesterday I called you regarding renting a house. Can I see the house? Yes, of course. It is on the first floor. How many tenants you have here? One more. We are living on the ground floor, and the second floor is the rented by your doctor's family. It's nice house. But what about the water and electricity? We have our own boring and power backup. How many persons are there in your family? 3 persons. My parents will also live with me. Oh, where do you work? I am working in a software company. And what would be the rent of this house? It's 20,000 rupees, and you will have to deposit 1 month rent in advance. Okay. When can I shift here? As soon as you will finish the paperwork, you can move in. Thank you, sir. You're welcome. I'll call you. Okay. तो शुरू करते हैं. दिस इज द लेट, यूज ऑफ लेट. उसे आने दो, मुझे जाने दो. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक में. बेसिक में यूज ऑफ लेट में इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ा दिया है कि उसे जाने दो, मुझे आने दो, उन लोगों को खेलने दो. लेकिन अभी मैं आपको इसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और टेंसेस के सेंटेंस को लेकर उसमें लेट का इस्तेमाल हम सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे आने दो. लेट, ये आपको पता ही होगा, लेट हिम कम. पहले लेट होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब. मुझे जाने दो, तो लेट मी गो. अब ये सेंटेंस मैंने लिखा है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस लिखा है हमने कि वह मुझे जाने नहीं देता है. दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस. तो वह मुझे जाने नहीं देता है मीन्स सबसे पहले हम ही का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जो मेन वर्ब होगा फ्रेंड, इसमें जो मेन वर्ब होगा ये लेट होगा. जो भी हम टेंस के हिसाब से वर्ब में चेंजिंग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, वो लेट के साथ करेंगे, न कि इसके जो मेन वर्ब होता है जाने देता है, जाना, उसके साथ नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो ही नहीं देता है, ही डजंट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके नेगेटिव में हम डज और डू लगाकर बनाते हैं, इसलिए डजंट होगा. ही डजंट लेट, उसके बाद लेट आएगा, लेट मी गो. ही डजंट लेट मी गो. अगर यहाँ पर होगा कि वह मुझे जाने देता है, तो ही लेट्स मी गो. वह मुझे जाने देता है तो ही लेट्स मी गो. लेट में एस क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में एस या आई एस लगाते हैं, इसलिए इसमें लेट में भी एस लगेगा, यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म. ठीक है फ्रेंड्स, तो वह मुझे जाने नहीं दे रहा है, वह मुझे जाने नहीं दे रहा है. दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो इसमें हम जैसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला बनाने का वही इस्तेमाल करेंगे, बट इसमें मेन वर्ब लेट का इस्तेमाल करेंगे. तो ही इज नॉट लेटिंग मी गो. ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुझे जाने नहीं दिया है. दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या चीज, क्या रूल है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है? ही हैज नॉट लेटेड मी गो. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस. और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी सेंटेंसेस हैं टेंस के, सारे के सारे सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेट का. और बेसिक के सेंटेंसेस में भी, जैसे नीड हुआ या हैज हैव हुआ, हैज टू हुआ, शुड मस्ट कैन कुड में, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है सब में हम लेट का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, एक एक सेंटेंस में आपको बताते जाऊंगा. तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं और सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से हम लेट का इस्तेमाल करते हैं. बस एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो अगर आपको टेंस पता होगा और सारे बेसिक का सेंटेंसेस आपको पता है बनाने किस तरह से बनाते हैं, तो लेट का इस्तेमाल आप आसानी से करके बना सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे जाने दिया, तो ही लेटेड मी गो. ही लेटेड मी गो, थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होगा. उसने मुझे नहीं जाने दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव था उसमें डू डज लगता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डिड लगता है. तो ही डिड नॉट, ही डिडंट लेट मी गो. वह मुझे नहीं जाने दे रहा था. सेम है, ही वॉज नॉट लेटिंग मी गो. उसने मुझे नहीं जाने दिया था, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो ही हैड नॉट लेटेड मी, डबल टी आ जाएगा, गो. ही हैड नॉट लेटेड मी गो. फ्रेंड्स, ये मुश्किल चीज़ नहीं है और मैं नहीं ये समझता हूँ कि सारा का सारा सेंटेंस लिख लिख के मैं आपको बता कर समझाऊँ. बहुत टाइम लग जाएगा सारे सेंटेंस को लिख कर और समझाने में. आपको सिर्फ समझना यह है कि लेट का इस्तेमाल हम एज अ मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ जो भी हम टेंस के अनुसार जो उसका फॉर्मूला है कि किसी में ING लगता है, किसी में सेकेंड फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगता है, तो उस टेंस के मेकिंग फार्मूला के हिसाब से ही हम लेट का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब समझकर हम करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा तो कैसा होगा? वह मुझे जाने देगा. पूछते हैं ना कि क्या तुम्हें वो जाने देगा? वह मुझे जाने देगा. ही विल लेट मी गो. वह मुझे नहीं जाने देगा. ही विल नॉट लेट मी गो. या शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो ही won't लेट मी गो. अगर मैं पूछता हूं कि क्या वो तुम्हें जाने देगा, तो विल ही लेट यू गो. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. बहुत ईजी है समझना इसको. अगर हम बेसिक का सेंटेंसेस लें तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, तो यू शुड लेट हिम गो. तुम उसे जाने दे सकते हो, तो यू कैन लेट हिम गो या यू मे लेट हिम गो. सिंपल है, तुम्हें उसे नहीं जाने देना है. अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम्हें उसे रोक के रखना है, उसे जाने नहीं देना है, तो यू डोंट हैव टू लेट हिम गो. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लेट का इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेट का इस्तेमाल अलग अलग तरह के सेंटेंसेज में किस तरह से करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. Thanks a lot.